मूंग दाल का चीला। मूंग दाल मीठे रस की है और हल्की होती है पचने में, रूखी होती है और ठंडी होती है, पेट अच्छे से साफ हो जाता है, डाइजेस्टिव चैनल्स अच्छे से क्लेंज हो जाते हैं और हमारे जठर अग्नि को बनाए रखता है मूंग, यानी कि दीपन और पाचन का काम करता है। बारिश के मौसम में हमारी पाचन शक्ति काफी कम हो जाती है, जैसे कि सूर्य देवता काले मेघों से छिप जाते हैं आकाश में, उसी तरह से हमारे पेट में भी हमारी जठरग्नि मंद होने लगती है। जठरग्नि का दीपन करने के लिए मूंग बहुत ही फायदेमंद है। चीले के लिए आधी कटोरी हरे मूंग दाल को भिगो करके रख दिया है 4 से 5 घंटों के लिए। एक कटोरी चावल का आटा भी डाल दिया है। आधे से 3/4 कटोरी पानी इसमें डाल करके मैं इन दोनों को एक साथ पीस लूंगी। पीसने के बाद जो बैटर रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ना ही बहुत ज्यादा पतला और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। अब इस बैटर को मैं ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दूंगी। 15 मिनट बाद बैटर तैयार है। बैटर में मैंने डाल दिया है 1 कटोरी कटा हुआ धनिया, आधी से 3/4 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक, चुटकी भर हींग, आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्ची, घिसा हुआ नारियल, घिसा हुआ गाजर, पत्ता गोभी या लौकी भी डाल सकते हैं, मैं इसे सिंपल रखूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स डल गए। तवे को मध्यम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा जब हल्का सा गर्म हो जाता है मैंने इसमें करीब 1 कटोरी भर का बैटर डाल दिया है और इसे हल्के हाथों से फैला दी डोसे की तरह। थोड़ी देर में हल्का सा घी डाल दी, करीब 1 बड़ी चम्मच के बराबर। जब चीला नीचे से तवा छोड़ने लगा तो इसे पलट लिया मैंने और दूसरी तरफ भी हल्का सा घी डाल दी। मूंग के बारे में और जानकारी के लिए देखिए मेरा वीडियो ग्रीन ग्राम सुंडल या मूंग सुंडल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। पलट करके इसे हर तरफ से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए और 3 से 4 बार इसे इसी तरह से पलट ली जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। चीला तैयार है। बाकी सारे बैटर के साथ भी सेम प्रोसीजर रिपीट कर लिया। बारिश के मौसम में अक्सर हम लोगों को सर्दी खांसी जुखाम और बुखार जैसी बीमारियां होती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स में स्पेशली फीवर में मूंग की दाल, मूंग का पानी बहुत फायदेमंद होता है हमारी अग्नि को फिर से प्रज्वलित करने के लिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, खाने में हल्की है, नाश्ते की तरह खाइए, ब्रेकफास्ट में सुबह खाइए या फिर लंच या डिनर में खाइए, चटनी के साथ, अचार के साथ, पोड़ी के साथ। चीले के लिए अब घी नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ठंडक के मौसम में तिल का तेल यूज कर सकते हैं और गर्मियों के मौसम में नारियल का तेल। फॉलो कीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @uttamam.sattvam। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तमम सत्वम को।